भगवान श्री राम के भव्य निर्माण का भूमि पूजन होने पर नगर के लोगों ने किया राम मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ। काटाफोड़ में हिंदू आस्था केंद्र भगवान श्री राम के भव्य निर्माण के भूमि पूजन को लेकर संपूर्ण भारत में खुशियां मनाई जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को नगर के प्राचीन श्री राम मंदिर एवं नजरपुरा हनुमान में नागरिकों के द्वारा हनुमान चालीसा का आयोजन कर आतिशबाजी की गई। शाम को घर घर दीप जलाकर दिवाली मनाई गई। आज सुबह से ही नगर के सभी मंदिरों में को सजाया गया। नगर में बंदरवाल बांधे गए, साथ ही हनुमान चालीसा का आयोजन कर जगह जगह खुशियां मनाई गई। आज के आयोजन के विषय में आपका क्या कहना है? आज लगभग 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद भगवान प्रभु श्री राम के धाम अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन निर्माण कार्य प्रारंभ हो रहा है। इस अवसर पर जो अयोध्या में उत्साह है, वही उत्साह हमारे नगर काटाफोड़ में है। हम सब लोगों ने यहाँ भगवान श्री राम के मंदिर में एकत्रित होकर आरती पूजन कर हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ कर पूरे नगर में उत्साह मनाया। शाम को सब अपने और दीपावली का त्यौहार मनाएंगे। पूरे नगर में राममय वातावरण है और राम मंदिर के निर्माण से सभी तमन्ना पूरी हुई है, इससे सब लोगों में बड़ी प्रसन्नता है। आज क्या क्या आयोजन होंगे? हम उन सभी का बहुत स्वागत है। अभी तो राम जी की आरती हुई है, बड़े धूमधाम के साथ आरती की है। पूरे नगर में वहाँ से जितने भी हिंदू धर्म को मानते हैं और नहीं मानने वाले लोग भी यहाँ पर आए हैं, तो बड़ी खुशी है। अभी शाम को प्रत्येक घर में दीपक लगाए जाएंगे, तोरण माल लगाई जाएगी, पास में जो भी मंदिर उस मंदिर में दीप प्रज्वलित किए जाएंगे और आतिशबाजी की जाएगी और अपनी खुशी का इजहार किया जाएगा। 500 साल की संघर्ष के वेला के बाद यह दिन आज देखने को मिला है। यहाँ से भी जिस समय कार सेवा तीन बार हुई थी, तीनों बार कार सेवा में यहाँ के युवक वहाँ पर गए थे और बड़ी ऊर्जा यहाँ साथ में लेकर आए। जिस प्रकार अयोध्या में भी वातावरण चल रहा है, ऐसा का ऐसा ही वातावरण यहाँ पर भी है। अभी हमारे गुरुदेव ने संदेश दिया है कि अयोध्या में तो राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा, फिर काटाफोड़ में जहाँ हम खड़े इस स्थान पर राम मंदिर का निर्माण भी हो, ऐसी भावना के साथ विचार को लेकर सबसे विचार विमर्श करेंगे और आगे की रूपरेखा रखकर यहाँ भी स्थानीय राम मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाएगा।